वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो गाइस आज हम जो है नो मेकअप जो है लुक क्रिएट कर रहे हैं विद ग्लैम गर्ल पैलेसेज, जो कि मैंने लास्ट जो है ब्लॉग में उसका रिव्यू दिया था, ठीक है। सो एक सॉफ्ट मेकअप भी जो है इसे कहा जा सकता है, ग्लैम मेकअप भी कहा जा सकता है, और जो है यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए बेस्ट है एंड जो है कहते हैं समर्स के लिए बहुत अच्छा है, समर, ठीक है जी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने जो है अगेन आपको बता देती हूँ, ये ग्लैम गर्ल्स बाय मैवी से मैंने इसे बाय की थी, मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी रिव्यू आपको चेक करना हो तो रिव्यू आप इसका जाके लास्ट जो है ब्लॉग में चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम जो है अपनी स्किन को जो है प्रेप कर लेते हैं, मॉइस्चराइजर कर लेते हैं, क्योंकि हम जो है नो मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं। सो इतना ज़्यादा जो है हम जो है प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मेरी ड्राई स्किन है तो मैं जो है सबसे पहले अपना जो है मॉइस्चराइजर करूँगी अपने फेस को, ठीक है। सो मैं ये यहाँ पर निविया का जो है मॉइस्चराइजर ले रही हूँ, ठीक है। सो इसे जल्दी से हम लगा लेते हैं, बाल मैंने अच्छे से कवर कर लिए हैं ताकि जब हम मेकअप जो है लुक क्रिएट करें तो हमारे जो है किसी भी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। सो इसलिए मैंने जो है बाल टाई कर लिए हैं और यहाँ पे अच्छा सा मेरा जो है मॉइस्चराइजर अप्लाई हो गया है, ठीक है। और थोड़ा सा जो रहता है आप उसको स्प्रेड करते हुए अपनी नेक साइड पर भी जो है ले आए, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये मैंने कर लिया है मॉइस्चराइजर अप्लाई अब, ठीक है। सो ये वाली मेरी पैलेट है जो कि मैंने इस पर रिव्यू दिया था, और ये माशाल्लाह से अब ये भी टूट गई है, इसका कैप भी टूट गया है, वेल्थ है, ठीक है। सो प्रेप हमने कर लिया है तो अब हम डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं बेस अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग जो है प्राइमर अप्लाई करना चाहें तो आप कर लिएगा, लेकिन सो यहाँ पर मैं सबसे ले लेती हूँ बेस, ठीक है। स्वेचेस मैंने सब कुछ दे दिया था, रिव्यू आप चेक कर लिएगा ब्लॉग पर जाके, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले यहाँ पर ये देख लें फेस बेस लगा लेते हैं। सो यहाँ पे जो है हम फिंगर से ही बेस लगाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी फॉर्म है तो मेरे लिए मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्राई स्किन मतलब जिनके ड्राई स्किन है ना उनके लिए ना ये बहुत बेस्ट है पैलेट। और थोड़ी सी स्किन टू टोन और होती है मेरी तो स्पेशली होती है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कवर करूँगी, ओके। अब मैंने यहाँ पे लगा लिया है, अब जो है इसे जो है हम इसे मुझे थोड़ी सी यहाँ पे और नीट लगी है तो मैं यहाँ पे और लगाऊंगी। अगर आप चाहें वैसे ही फिंगर से भी अच्छा ब्लेंड हो गया है, अगर आपका है तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी एक दफ़ा अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हो गया है मेरा जो है ब्लेंड, ठीक, फुली जो है ये ब्लेंड हो गया। अब यहाँ पे है ये मेरे स्पॉट्स के जो है निशान रह गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे जो है हाइड कर देंगे, और आपकी ये जो नोज़ का एरिया होता है इसे अच्छे से ब्लेंड करें, और आपका ये वाला है यहाँ पे। अब हम इसका ले रहे हैं न्यूट्रलाइज़र, ठीक है, जो कि हमारे जो स्पॉट्स है उसको हाइड करने के लिए लेंगे, ओके जनाब। सो यहाँ पे अब इसको हम थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे पहले तो, और इसको अप्लाई करेंगे ऐसे, मैं अप्लाई कर ये वाला एरिया है। अब मैं आपको क्लियर अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया जितना भी हमने रखना था, और इसे हम ऐसे ब्लेंड करेंगे, ऊपर देखेंगे और ऐसे ब्लेंड कर देंगे, ऊपर देखेंगे और ब्लेंड कर देंगे। अब आप 4:8 का भी बेस्ट चेक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये इट्यूट का कॉम्पैक्ट, ठीक है, ताकि हम इसे जो है जल्दी से सेट करें। अब थोड़ा बहुत जो आपको इश्यू लग रहा है वो हम क्या करेंगे इस कॉम्पैक्ट की ऐप से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये इट्यूट का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, सो आप चाहे तो इसकी ऐप से कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप अपने ब्रश की उससे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस हल्का सा प्रोडक्ट लिया, अपने आइज को यूँ किया और इसे ऐसे रख दिया, ठीक है। तो इससे आपकी क्रीसेस नहीं बनेगी और आपका जो है
पहले हम आईज का कवर करेंगे ताकि क्रीसिस ना बने, फिर हम जो है पूरे फेस पे जाएंगे सेट होने के। ओके जो है कॉम्पैक्ट से सेट किया था, अब जो है हम जो है थोड़ा सा फर्स्ट फेस को सेट करेंगे। और मैं कॉम्पैक्ट कम ही यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन अगेन जो है वो ड्राई है, सो बस यहाँ पे जो है मैं सेट कर रही हूँ अपनी बेस को। ठीक है, फिर फोरहेड पर मैंने लगा लिया था। अब हम लगाएंगे इस पैलेट के अंदर। सो व्यूअर्स, अब हम जो है इसकी जो है कंट्रोलिंग करने लगे हैं। अच्छा, मेरा फेस छोटा है तो मुझे अपने फेस पे कंट्रोलिंग की इतनी नीड नहीं होती, तो मैं जस्ट जो है हल्का सा लेके के बिल्कुल ये वाला जो है इस तरह से क्रीज वाला जो ब्रश है ये आप रख लीजिएगा अपने पास, और जो है ऐसा आपने ऐसे, मैं तो जस्ट ऐसे हल्के से लाइन ड्रॉ करती हूँ और ऐसे करती हूँ, जस्ट मैं अपनी नोज कंट्रोल करती हूँ। और कभी कभी तो मैं ऐसे ही चिल कर लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप चाहें तो लाइन से भी ड्रा कर सकते हैं। अच्छा मैं अच्छा लाइन तो मैंने जो है इससे जो है ड्रा कर ली ब्रश के हेल्प से। अगर हमारे पास नहीं है ब्रश, सडन हो जाता है ब्रश नहीं है, तो मैं साथ साथ फिगर भी कर रही हूँ, तो हम क्या करेंगे नो से। तो अब आपको मैं नो से ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ऐसे हमने दो फिंगर ले ली और ऐसे क्या और से क्या ठीक है यहाँ तक लिया है पूरा हमने, क्योंकि यही एरिया थोड़ा सा फैला हुआ है। ऐसे क्या बस हो गई। फिर जो हमारा कॉम्पैक्ट है या हमारा जो है बेस है उसे हमने थोड़ा सा ये वाला ले लेना है, ये वाला कोई भी बेस ले लिया तो ये ले ले, ये ले लो। और ऐसे हमने यहाँ पे बीच में रखना है और ऐसे हल्के बस ब्लैंड करना है। ठीक है, अब यहाँ के मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, उस पर हम अपना अप्लाई कर लेते हैं टेंट पहले, फिर हम जो जाएंगे आइस पे जाएंगे। सो यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे ठीक है और थोड़ा सा यहाँ रखा और ऐसे ऐसे करते हुए यू अपवर्ड साइड पे, और इसको हम करेंगे। वैसे तो हाथ से भी ब्लेंड हो जाता है बट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छा हो जाता है। लाइक मैं आपको एक साइड हाथ से करके दिखा देती हूँ और एक साइड आपको ब्यूटी ब्लेंडर। ओके सो व्यूअर्स, अब यहाँ पे पहले हम अपने ब्रॉज सेट कर ले हैं, ब्रॉज सेट कर लेते हैं। बस जो है यहाँ पे थोड़ी सी फिल करेंगे जो जो एरिया हमारा जो है खाली है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रश लिया है, आईब्रो ब्रश ठीक है, और इसमें से हम ये यही वाला जो है शेड ले लेते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा कॉर्नर से ले लेते हैं, क्योंकि अब जो है हम अपनी आईब्रोज जो है फिलअप करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बस हमने थोड़ा सा लिया है ये वाला शेड और अब जो है हम इसे ब्लेंड कर देंगे थोड़ा सा इस वाले कलर से। ये ब्लैक नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ब्रॉज कलर है, तो मैं जो है इसे ब्लेंड कर दूँगी ताकि जो है नेचुरल लगे, क्योंकि मेरे जो हेयर कलर है वो ब्लैक है। सो हम इससे थोड़ा सा अपना यहाँ पे हमारी ब्रॉज सेट हो गई है और सेट कर लेते हैं इसको हम जल्दी से। ओके व्यूअर्स, सो अब हम अपनी जो है आइस लुक क्रिएट कर लेते हैं। अब सो यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ बस पिंक ठीक है, इतना सा ले रही हूँ और इसको हम रखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे करके निकाल रही हूँ ठीक है, और इसको हम जो है ब्लेंड कर देंगे ऐसे लाइक। ठीक है, ये लगा लिया। अब ऐसे ही सेम जो है हम अपनी इस वाली आइज पे लगा। ओके सो हमने जो है पिंक शेड जो है अपनी लिड पे लगा लिया है और उसे जो है फिंगर के हाथ से जो है ब्लेंड कर लिया है ठीक है। और हमने क्या करना है इस शेड से, आपके पास ये वाला ब्रश है, हमने यहाँ पे ब्राउन शेड ले लिया है क्योंकि सॉकेट हम इससे बनाएंगे ठीक है। अब हम अपनी सॉकेट लाइन क्रिएट करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा बस
पहले तो हम ऐसे एक लाइन लगाएंगे, और थोड़ा सा और ले लेंगे और इसको रख लेंगे ऐसे, ठीक है, यूँ रखा बस। सॉकेट लाइन हम क्रिएट करेंगे और कॉर्नर्स क्रिएट करेंगे। अब ठीक है, कर लिया हमने। अब जो है ब्रश को ऐसे किया और जो लोग मुझे कह रहे थे ना कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाऊं, मेकअप बताऊं कि मैं कैसे करती हूं, तो वो तो बड़े खुश हो गए होंगे। तो फाइनली आई एम हेयर विथ माय फर्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल। तो होपफुली कि आप जो है इसका जो है अच्छा जो है फीडबैक मुझे देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हमने सॉकेट लाइन क्रिएट किया और यहाँ पे हमने गॉर्नर्स जो है ब्रॉन्ज जो है क्रिएट किए, ताकि हमारा जो है एक आइज़ का जो है लुक क्रिएट हो जाए। और ऐसे ही हम यहाँ पे लेते हैं और इसको क्रिएट कराते हैं। इससे पहले हम जो पहले ये जो हमारे नीचे का एरिया है, जो हमारे नीचे के जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा लगा लेते हैं, ताकि हमारी जो है आइज़ थोड़ी बड़ी बड़ी लगे। और अब जो है थोड़ा सा मैंने इस पे लिया था प्रोजेक्ट और इसको ऐसे करके लगाएंगे हम, ठीक है। ऐसे किया, ये लग गया, ठीक है। अब इसी को हम ब्लेंड करते हुए हम इस साइड लेकर आएंगे, इनर के साइड, ठीक है। चेक करें, ठीक है। हो गया, पूरी हमारी एक लाइन बन गई है। सो इसी तरीके से ये वाली आइज कवर करते हैं। इसी पैलेट से हम ले लेते हैं ये वाला हाइलाइटर, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने हाइलाइटर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे। मैं जस्ट अंदर के साइड लगाऊंगी, आप चाहे तो बीच बीच में भी लगा। ऐसे बस आपने बस इतना कॉर्नर में, पूरे पे नहीं लाना। सीखने क्या लेना है आपने, ये ले लेना न्यूट्रलाइजर और इसको जो है बस ऐसे ले, ठीक है। इतना लगा लिया हमने और इसको ऐसे पकड़ना है और बस ऐसे आ गई, ये लग जाएगा। हमने पूरा अंदर तक नहीं लाना, ठीक है। उससे फिर आइस जो है ना थोड़ी सी अजीब सी लगती है, इसमें आपकी आइस बड़ी बड़ी लगती है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है लाइनर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैं मार्कर लाइनर ले रही हूँ, क्या करना है, हमारी फिंगर साफ होनी चाहिए, बी केयरफुल। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अपना जो है लाइनर क्रिएट कर लिया है बस हल्का सा कॉर्नर पे। तो इस तरीके का आपके पास लैश कलर हो तो ठीक है, अदरवाइज आप वैसे भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी लैश कर्ल करेंगे और जो है यहाँ पे रखेंगे और ऊपर देखेंगे और यहाँ पे ये कट। एमली का ये मेरे पास मस्कारा है, इसे मैं अप्लाई करूँगी। आइस मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम व्यूअर्स, अब जो है हम लिप्स अपने जो है बनाते हैं, और इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये एमली का जो है शेड जो है पीच, और जो है 10 इसका नंबर है। पहले मैं इसको ये अप्लाई करूँगी ताकि हमारे पास थोड़ी सी बेस आ जाए। मैं बस बेस क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। बस इसको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाऊँगी और इसको ऐसे करती हूँ और इसको अपने हाथ से स्प्रेड करके इसका अगेन लाइट पे ले जाऊँगी, ताकि हमारा जस्ट क्या बन जाए, बेस बन जाए। बस अब हम ले लेते हैं इसमें से अपना टेल, ठीक है। मेक श्योर जो आपकी जो फिंगर्स है वो साफ़ होनी चाहिए, अगेन मैं आपको ये कह रही हूँ। अब यहाँ से लिए हमने ये पिंक लिया और लिप्स हो गए हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी ये वाली एरिया कवर कर सकते हैं। तो आपने अगेन यहाँ से ये सिर्फ इतना सा ब्राउन कवर लेना है और पैलेट में फाइनली अब हमारा हो गया है हाइलाइटर। अब हमारा हाइलाइटर रह गया है, अब हमारे बिल्कुल हाथ साफ होने चाहिए। अब इस पैलेट में से हम ले लेते हैं हाइलाइटर। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये देखें आप इसका रिजल्ट चेक करिएगा हाइलाइटर का,
ये देखो। सो हेयर इज माई फाइनल लुक। सो ये हमारा है आज का फाइनल लुक, ठीक है। मैं अब आपको आइस का चेक कराती हूँ। सो विवेश ये है हमारा आइस का लुक। आज का फर्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल, होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। और सो यही वीडियो को एंड कहते हैं, आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।